पुनः प्रहार करो। सखा छोड़ दो हमें वानर बालक, मुक्त कर दो हमें। आप सब तभी मुक्त होंगे जब मैं वरुण लोक में प्रवेश कर जाऊंगा। और ये मैं चला वरुण लोक, प्रणाम। मुक्त कर दो हमें वानर बालक। वरुण लोक का द्वार तो दिखाई ही नहीं दे रहा, अब आगे कैसे बढ़ूं मैं? शून्य व्यक्ति हित और अहित में अंतर नहीं कर सकता। वरुण देव की बुद्धि भी इनका साथ नहीं दे रही। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। वरुण देव, मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वारा आपका हित हो, किंतु आपने मुझे पूरी तरह से विवश कर दिया है। संसार को बचाने के लिए मेरे पास अब कोई अन्य उपाय नहीं है। सूर्यदेव, आप कुछ करें, उससे पहले ही आग शीतल होकर हिमशिला में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके साथ ही संसार का जल तत्व भी समाप्त होने लगेगा। सृष्टि से संपूर्ण जल तक लौटाओ। अभी तक तो ये तालाब में जल भरा था, एकाएक जल कहाँ विलुप्त हो रहा है? जल के बिना हम सब समाप्त हो जाएंगे। जल चाहिए, जल ढूंढो कहीं, जल ढूंढो कहीं। अरे ये फल भी रसहीन हो रहे हैं, न जाने क्या होगा। बहुत समय से विलाप कर रहा है, किंतु इसकी आंखों से अश्रु क्यों नहीं निकल रहे? आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्यास बुझ ही नहीं रही है। मैं जल लाती हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैं आपके लिए भी जल लाती हूँ। माँ, माँ, मुझे भी प्यास लग रही है, मेरे लिए भी जल ले आइए।
हनुमान शिक्षा पाने के आ गया, जैसे सुमेरु को किसी की कृदृष्टि ही लग गई हो। जाने अब क्या क्या संकट आने वाले। आश्चर्य है, कुछ समय पहले तो इसमें जल था। सेविका, जल लेकर आओ। अभी लाई। न जाने क्या हुआ, जल पात्र में कुछ समय पहले तक तो जल था, अभी देखा तो रिक्त है। महाराज, न जाने क्या हुआ, सारे कुंभों से पानी एकाएक समाप्त हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, जल का तो पर्याप्त भंडार था भवन में। पहले सूर्यदेव उदित नहीं हुए और अब हर स्थान से जल तत्व लुप्त होता जा रहा है, ये शुभ संकेत नहीं है। प्रणाम महाराज। महाराज, राक्षसों ने राजभवन पर आक्रमण कर दिया है। मंत्री जी, शीघ्र जाइए और इन शरणागत बालकों को इस कक्ष में लेकर आइए। इस कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दीजिए, संभवतः उन राक्षसों ने पुनः उन बालकों का अपहरण करने के लिए राज पर आक्रमण किया है। मैं उन राक्षसों को देखता हूँ। जी महाराज। रुकिए महाराज, मैं भी चलूंगी। किंतु तुम? मुझे मत रोकिए महाराज, मैं इन राक्षसों की चालों और इनकी माया से भली भांति परिचित हूँ। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ तो मात्र जल ही जल दिखाई दे रहा है, वरुण लोक का द्वार कहाँ है? रक्षकों, आप सबको मुक्त होना है ना? छोड़ दो हमें वानर बालक। तो पहले मुझे बताइए वरुण लोक का द्वार कहाँ है? सखा। तो बताओ, बताते हो या बंधन और कष्ट सखा? और बताता हूँ। उस झरने के पीछे उस ओर है वरुण लोक का गुप्त द्वार। धन्यवाद सखा, इन्हें मुक्त कर दो। धन्यवाद वानर बालक। प्रणाम। शक्तिहीनता का आभास हो रहा है और प्यास भी लगी है, क्या करूं? गुरुदेव को मुक्त नहीं कर लेता, जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, वरुणदेव सूर्यदेव को पुण्यतः शीतल करने में लगे हुए हैं। उन्होंने संसार से जल तत्व को भी वापस खींच लिया है।
शीघ्रता करनी होगी पुत्र, जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। नारायण नारायण। वरुण देव ने जल तत्व खींच लिए हैं, इसीलिए मुझे भी प्यास लग रही है। ये क्या, प्रवेश द्वार तो बंद है। लगता है वरुण देव ने इन शिला से द्वार को बंद कर दिया है। अब मुझे शीघ्र ही इसी द्वार से प्रवेश करना होगा। तेज हरा सृष्टि को जलहीन किया, वरुण देव ने की कुटिलता, मारुति को हुई दुर्बलता। हनुमत करे शक्ति संचार, खंडित वरुण लोक का द्वार, शेष प्रयत्न से होगी मुक्ति, लौटेगी सूर्यदेव की शक्ति। ये क्या, सूर्यदेव ने तो मुझ पर भी हिमास्त्र का वार कर दिया है। पृथ्वी को शीतल कर दे, उससे पहले मुझे गुरुदेव तक पहुंचना होगा। मुझे लंकेश ने जो कार्य सौंपा था वो पूर्ण हो गया। शत्रुता का बीज बो दिया है मैंने देवताओं में। अब देवता आपस में ही युद्ध करते रहेंगे। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है, मैं चला। अच्छा, तो वरुण देव पर राहू की असुरी छाया थी, इसीलिए इन्होंने ये सब किया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, ये रथ सूर्य देव पर जलप्राश का प्रहार किया मैंने। अवश्य मुझे राहु ने अपने प्रभाव में ले लिया था। अब क्या होगा, कौन निकालेगा इस संकट से हम दोनों को, इस संसार पर आई हुई इस विपदा को कौन दूर करेगा। ये क्या, गुरुदेव, वरुण देव, मुझे आने में विलंब हो गया। गुरु माता, क्या हुआ आपको, आप स्वस्थ तो हैं?
ये क्या हो गया देवी को? मैं देव वैद्य धन्वंतरि जी को लेकर आता हूँ। प्रणाम। एक तो प्यास से वैसे ही प्राण निकले जा रहे हैं, ऊपर से ये राक्षसों का आक्रमण। राक्षसों, तुम लोगों ने फिर सुमेरु पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। सुमेरु पर आक्रमण का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा राक्षसों। रक्षवीरो, घेर लो केसरी को और इससे ऐसे उलझाओ कि तुम्हारे घेरे से बाहर ही ना निकल सके, फिर मैं अपना कार्य कर लूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, यदि मैं शीघ्र ही यहाँ आ गया होता तो ऐसा नहीं होता। सूर्यदेव मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा प्रयास विफल क्यों हो रहा है? किंतु मैं गुरुदेव को मुक्त करके ही रहूंगा। अपने तेज का 1/100 तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। गुरुदेव की मुक्ति के लिए बल प्रदान करें। मेरे गुरुदेव और अग्निदेव का ताप भी सम्मिलित है, उसे मैं अपनी हथेली में केंद्रित करता हूँ। अब यही दिव्य ताप गुरुदेव की शीतलता को हर लेगा। दूर करे जग का अंधियारा, सूर्य देव का बनेंगे सहारा। शिष्य करेगा गुरु की रक्षा, स्थिर रहेगी उनकी गरिमा। रक्षित होगा सब संसार, करते जीवन पर उपकार। गाते सब उनके गुणगान, हनुमत करते कार्य महान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।